उसने जवाब दिया, ये आग हमारे नजदीक बहुत बड़ा दर्जा रखती है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अनु सिलसिले आलिया चिश्तिया के अकाबिर में से हैं और हिंदुस्तान के रूहानी ताजदार हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अनु के पीरो मुर्शद हैं। अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। जिस बुजुर्ग के मुरीद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जैसे रूहानियत के शहंशाह हों, उस अजीमुल मर्तबत मुर्शिद की अजमत व जलालत को कौन समझ सकता है। हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अनु कस्बे हारवन जिला निशापुर में रौनक अफरोज आलम हुए। आप खानवादाए सादात के चश्मो चिराग हैं। सिलसिला नसब 11 वास्तों से मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम से मिलता है। इब्तदाई तालीम व तरबियत वालिदे माजिद के जेर साया हुई। कम सिनी में ही आपने कुरान मजीद हिफ्स कर लिया था और वक्त के मशहूर और माहिर फन असातिज़ा से उलूम मुरवजा की तालीम और तकमील की इबादत और रियाजत की तरफ बचपन ही से आपकी तबीयत का रुझान था। इसलिए शुरू से ही आपका मामूल था कि एक कुरान पाक दिन में और एक रात में ख़त्म फरमाया करते थे। सुभान अल्लाह। उलूम ज़ाहिरी की तकमील के बाद आप हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अज़राहे अकीदत कदम बोस हुए। पीरो मुर्शद ने खुसूसी नजरे इनायत के साथ आपको हल्का इरादत में दाखिल फरमाया और कुलाहे चार तरक्की जेबे सरे अक्दस फरमा कर इरशाद फरमाया। हजरत हाजी शरीफ जिंदनी जो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के पीरो मुर्शद हैं, नाज़रीन ये याद रहे, हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी के मुरीद हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी और हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आपने इरशाद फरमाया, हाजी शरीफ जिंदनी हजरत ने इरशाद फरमाया, उस्मान बुजुर्गों का हुक्म है कि कुलाए चार तरक्की वो शख्स सर पर रखता है जो अल्लाह के माँ सिवा दुनिया की हर चीज को तर्क कर दे, लिहाजा तुम्हें भी इन चार बातों पर अमल करना जरूरी है। वो चार बातें क्या हैं जानिए। तर्क दुनिया, तर्क हिर्स व आज, तर्क ख्वाहिशात नफसानी, तर्क ख्वाब के साथ शब बेदारी व जिक्र इलाही। अल्लाहु अकबर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस राह को पसंद फरमाया तो फख्र फाका को इख्तियार फरमाया। आपके बाद ये सिलसिला उसी तरह जारी रहा ताकि ये तबर्रुक मेरे पास पहुंचा। उस तरफ से ये तबर्रुक मेरे पास पहुंचा, मैंने भी फख्र फाका इख्तियार किया। ये मुबारक और ये मुतबर्रक कुला अब मैंने तुम्हारे सर पर रख दी है। तुम भी पिराने इज्जाम की तकलीद को जरूरी समझना और खलके खुदा के साथ मेहरबानी से पेश आना। अल्लाहु अकबर। बैत से शर्फ अंदोज होने के बाद पीरो मुर्शद के हुजूर में रहकर आपने कामिल 3 साल तक रियाजतो मुजाहदात करके सुलूक की मंजिले तय की। अल्लाहु अकबर। बाज रिवायत के मुताबिक हजरत ख्वाजा हारूनी ने अपनी उम्र में 70 साल मुजाहदातो रियाजतों में बसर किए। उन अय्याम में आप अक्सर रोजे से रहते थे और 5 रोज तक इफ्तार ना फरमाते थे। मुजाहदात के 70 साल जमाने में कभी आपने सैर होकर खाना नहीं खाया, कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, ना पानी पिया। यही वजह है कि आपकी रूहानी ताकत इस दर्जा बड़ी हुई थी कि नजरे कीमिया असर जिस शख्स पर पड़ जाती वो चश्मे जदन में जरे खालिस बन जाता था। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी जो आपके पीर मुर्शद हैं, सैयदना ख्वाजा हाजी शरीफ जिंदनी रजी अल्लाह ताला अनु के सिलसिले तरीकत में दाखिल होने के बाद आपने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में खुदा की हम्द व सना में गुजारा और तकरीबन उस जमाने के तमाम मशाइख से आपने शर्फ मुलाकात हासिल की और उनके फैज़ सोहबत से मुस्तफीज हुए। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अनु बयान फरमाते हैं, आप अक्सर ये इरशाद फरमाया करते थे। हुजूर गरीब नवाज के पीर मुर्शद अक्सर ये बयान फरमाया करते थे। जो गरीब नवाज की तालीमात में आपको ये बयान हमेशा मिलेंगे, जिस शख्स के अंदर ये 3 खसलतें मौजूद हों, खुदा उसको महबूब रखता है। पहली खसलत, दरिया जैसी सखावतो फयाजी।
सुभान अल्लाह, सूरज की मानिन शफ़क़त और तीसरी जमीन की तरह तवाज़ो व इंकिसारी। अल्लाह अकबर, आपसे बेशुमार करामतें ज़ुहूर पज़ीर हुई। हुज़ूर सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कई करामतें करी हैं, जिनमें ये करामत बहुत मशहूर है कि एक मर्तबा आतिश परस्तों की आबादी में आप तशरीफ ले गए, जहां एक बहुत बड़ा आतिश कदा था और जिसमें हजारों मन लकड़ियां हर रोज जलाई जाती थी। आपने उसी आतिश कदे के करीब कयाम फरमाया और एक दरख्त के साए में मुसल्ला बिछाकर नमाज में मशगूल हो गए। आपके खादिम शेख फखरुद्दीन आग लाने की गर्ज से उस आबादी में गए। ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रजी अल्लाह ताला अन्हु आग लाने की गर्ज से उस आबादी में गए। आग के पुजारियों ने उन्हें आग देने से इनकार कर दिया तो ख्वाजा फखरुद्दीन गुरदेजी रहमतुल्लाह अलैह ने वापस आकर शेख से पूरा माजरा बयान कर दिया। हजरत ने ताजा वजू फरमाया और उस गाँव में तशरीफ ले गए तो देखा कि उसका नाजिम व मुतवल्ली अपनी गोद में एक 7 साल लड़का लिए एक तख्त पर बैठा आग की पूजा कर रहा है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस आग को क्यों पूछता है? अल्लाह ताला की इबादत क्यों नहीं करता कि ये आग तो उसकी मखलूकात में एक कमतर दर्जा के मानिंद है, बहुत कमतर दर्जा रखती है उसकी मखलूक में। अल्लाह अकबर, उसने जवाब दिया कि हमारे नजदीक में आग बड़ा दर्जा रखती है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस आग की पूजा में तूने कीमती और लंबी उम्र सर्फ कर दी है, क्या तू अपने जिस्म का कोई हिस्सा उस आग में रख दे और वो उसे ना जलाए, ऐसा हो सकता है? मजूसी ने कहा कि आग की खासियत ही जलाना है, किसकी हिम्मत है कि उंगली का सिरा भी उसमें रख दे और सलामत निकल आए। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अचानक उसकी गोद से लड़का लिया, जो उसकी गोद में बच्चा था उसको अपनी गोद में लिया और आग में डाल दिया और खुद भी उसी आतिश कदे में तशरीफ ले गए। आग गुलजार बन गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि वो आग गुलजार बन गई और दोनों सही और सलामत रहे, यहाँ तक कि उनके जिस्म के कपड़ों का एक रिशा भी नहीं जला और थोड़ी देर उसमें ठहरे रहे। उस दौरान मजूसियों का एक जम्मे गफीर इकट्ठा हो गया और सभी हैरतो इस्तेजाब से आपको देख रहे थे। अल्लाह अकबर। सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे को लेकर आग से बाहर तशरीफ ले आए और इस्लाम की हकानियत बयान करते हुए उन सबको ईमान की दौलत और कलमा पढ़ाने की दावत दी। नतीजे के तौर पर सारे के सारे मजूसी ईमान ले आए और जमीन पर सर रख कर आह का शुक्र उजार हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करने लगे। आपने इस कौम के सरदार का नाम अब्दुल्ला और आग में डाले गए बच्चे का नाम इब्राहिम तजवीज किया और वहां कुछ दिनों मजीद कयाम फरमा कर उन लोगों को इस्लाम की तालीम दी और उनको मजहब में पुख्ता कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस आतिश कदा की जगह पर एक आलीशान इबादत गाह तामीर करवाई गई। अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक मस्जिद तामीर करवाई गई। सुभान अल्लाह। आजा की बुद्ध नारे फरियाद मुशरिका अकनू खरोशे नगमे अल्लाहु अकबरस्त। सुभान अल्लाह। इस करामत से आग के पुजारियों को इस हकीकत पर कामिल यकीन हो गया कि हजारों साल भी आग की पूजा की जाए फिर भी वो अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाली, जो उसके करीब जाएगा वो उसे जरूर जलाएगी। हाँ, आग के खालिक और मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करने वाले के लिए अल्लाह ताला उस आग की फितरत बदल देता है और वो उसके लिए गुलजार बन जाती है। अगर सद साल गिबर आतिश फरोजद चू यकदम अंदरा उफ्तद बसोजद। सुभान अल्लाह। इसलिए आग के पैदा करने वाले की परस्तिश की जाए और उसी की बारगाह में इबादत व बंदगी की पेशानी झुकाई जाए। इसी में आखरत की निजात और हर तरह की दुनियावी व उखरवी
बड़ी फलाह बहबुदी बहबुदी का राज पोशीदा है। हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से मुरीदीन वे मुतवस्सिलीन थे, लेकिन आपने उनमें से सिर्फ चंद अफराद को खिरकाए खिलाफत से नवाजा था, जिनके इस्माए ग्रामी आप सुने जरा। पहले हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हजरत शेख नजमुद्दीन सुगरा, हजरत शेख सादी, हजरत शेख मोहम्मद तुर्क नारोली, सुभान अल्लाह, इन चारों खुल्फा में आप खसूसियत के साथ सैयदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज की मुरीदी पर फख्र मसर्रत का इजहार फरमाया करते और अक्सर फरमाते, मोइनुद्दीन हसन महबूब हक है। अल्लाहु अकबर। आपके पीर मुर्शिद सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर गरीब नवाज की मुरीदी पर इतना फख्र किया करते थे और फरमाया करते थे, मोइनुद्दीन हसन महबूब हक है। सुभान अल्लाह। आप तमाम उल्म मारिफ पर आलिमाना नजर रखते थे। इसके अलावा आप एक खुश फिक्र और बाजोक सब चीजों को जाना करते थे, हर चीज फरमाया करते थे। आपकी एक रुबाई बड़ी मशहूर है जो अक्सर आपको सुफियाना महफिलों में सुनने को मिलेगी, नमीदानम की आखिर चू दमे दीदार मीर अकसम, मगर नाजम बईजोके की पेशे यार मीर अकसम, तू आ कातिल की अज बहरे तमाशा खून मी रेजी, मना बिस्मिल की जेरे खंजरे खुखवार मी रक्सम, बया जाना तमाशा कुन की दर अम्बोहे जा बजा, बसद सामाने रुस्वाई सरे बाजार मी रक्सम, खुशा रिंदे की पामालश कुनद सद पारसाई रा, जहे तकवा की मनबा जुबुओ दस्तार मी रक्सम, मनज उस्मान हारूनी की यारे शेख मंसूरम, मलामत मी कुनद खल के बे मन बेजार मी रक्सम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। नाज़रीन, ये आपके शेख तरीकत हुजूर ख्वाजे ख्वाजगान गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद का वाकया हमने आपको सुनाया। आप याद रखें इस बात को, गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद का नाम है हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी, और हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के पीरो मुर्शिद का नाम है हजरत ख्वाजा शरीफ जिंदनी। ये याद रखिएगा नज़र अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, अल्लाह वालों की तरीकों पर हम चलने की कोशिश करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। सरकार गरीब नवाज जब अपने पीर मुर्शिद से मुरीद हो चुके थे, हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह के हलका इरादत में दाखिल होने के बाद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने पीर मुर्शिद की तकरीबन 20 साल तक खिदमत की, और उस मुद्दत में आपने हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ काफी सैर व सियाहत की। आपको अपने पीर मुर्शिद से हद दर्जा अकीदत व मोहब्बत थी। ये कैफियत थी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहां कहीं सफर करते, हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज उनका लिबास बिस्तर तोशा सफर अपने सर पर लेकर शरीक सफर होते। सुभान अल्लाह। आपकी इस वालियाना मोहब्बत और मुखलिसाना खिदमत से हजरत सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल पर गहरा असर मुरतब हुआ। इसी सबब से आप पीर मुर्शिद के खासुल खास और मुकर्रब महबूब बन गए। चुनाचे एक मरतबा आपके पीर मुर्शिद सरकार सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मोइनुद्दीन महबूब खुदा अस्त व मुरा फख्र अस्त, पर मुरीदिये ऊं यानी मोइनुद्दीन खुदा का महबूब है और मुझे उसकी मुरीदी पर फख्र है। सुभान अल्लाह। आखिरकार आप बगदाद शरीफ में अपने पीर मुर्शिद से रुखसत हुए तो मुर्शिद कामिल ने आपको बा कमाले मोहब्बत खिरकाए खिलाफत अता फरमाया और जानशीनी के मनसब पर फाइज किया। उस वक्त हजरत गरीब नवाज की उम्र तकरीबन 52 साल थी। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने तबरुकाते मुस्तफीज हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तबरुकाते मुस्तफी जो सिलसिला चिश्तिया में सिलसिला बा सिलसिला चले आ रहे थे, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को खिलाफत अता फरमाते वक्त इनायत फरमाए और चंद मुफीद नसीहत फरमाने के बाद अपना अजाए मुबारक भी
भी आपको बख्श दिया। इसके अलावा नालेन शरीफ और मुसल्ला भी अता फरमाया। नीज इरशाद फरमाया कि ये तबरुकात हमारे मशाई के तरीकत की यादगारें हैं जो हुजूर सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हम तक पहुँचे हैं। सुभान अल्लाह, इनको इस तरह अपने पास रखना जिस तरह हमने रखा और उसी को ये यादगार देना जिसको तुम इसका अहल पाओ, और जो कुछ हमने तुमको बताया उस पर अमल करना ताकि कयामत के दिन शर्मिंदगी ना हो। खल्क से तमे ना रखना, आबादी से दूर रहना और किसी से कुछ तलब ना करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिलसिला चिश्तिया में अपने मुरीद या खलीफा को जो कुलाए चार तरक्की पहनाने का दस्तूर है उसकी वजाहत हजरत हाजी शरीफ जिंदनी रहमतुल्लाह अलैह ने नसीहत के अंदाज में फरमाई है, जिसको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अनु के सर पर रखते वक्त हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अनु ने दोहराई, जो दर्ज ज़ेल है। मुराद अज कुलाए चार तरक्की चार तर्क अस्त। अव्वल तर्क दुनिया, दौम तर्क उकबा, सिवाय जात हक मकसूद दीगर नादारी। सोम तर्क खुर्द ख्वाब मगर कदरे बराए, सद रमक अस्त की अज जरूरियात अस्त। चारम तर्क ख्वाहिश नफ्स यानी हर की बुगोयोद, खिलाफे आ कुनी व हर की ई चार तर्क। कुनुद पोशिदने कुलाए चार तरक्की बऊ सजावार अस्त। यानी कुलाए चार तरक्की से मुराद चार तर्क हैं। अव्वल तर्क दुनिया यानी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर लेना। दोम तर्क उकबा यानी हर वक्त अपनी जात के लिए आखिरत की भलाई तलब ना करता रहे बल्कि सिवाय जाते इलाही और रजाए इलाही के और कोई गर्ज ना रखे। सोम सोना और खाना तर्क करना मगर सिर्फ उसी कदर जिससे जिंदगी कायम रहे, यानी कम खाए कम सोए। चार नफ्स की ख्वाहिशात को तर्क करना यानी जो नफ्स कहे उसके खिलाफ अमल करना। जो इन चीजों को तर्क करने का अहद करे वही कुलाए चार तरक्की पहनने का हकदार अहल है। अल्लाहु अकबर। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि पीरो मुर्शद ने यह इरशाद फरमाकर मुझे अपनी आगोश मुबारक में ले लिया। अल्लाहु अकबर। और सरो चश्म को बोसा देकर फरमाया तुझको खुदा के सपुर्द किया। अल्लाहु अकबर। उसके बाद दुआगो रुखसत हुआ। फिर हजरत ख्वाजा बुजुर्ग रजी अल्लाह ताला अन्हु मुर्शिद बरहक की खिदमत में 20 बरस की जो तवील मुद्दत गुजारी उसमें ज्यादातर वक्त सफर में गुजरा उसका इजमाली जिक्र दर्ज ज़ेल है। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रजी अल्लाह ताला अन्हु की दुनिया ही बदल चुकी। हुजूर गरीब नवाज ने मुर्शिद बरहक की खिदमत में 20 बरस की जो तवील मुद्दत गुजारी उसमें ज्यादातर वक्त सफर में गुजरा। अल्लाहु अकबर। अब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दुनिया ही बदल चुकी थी। सरकार गरीब नवाज की दुनिया बदल चुकी थी आप के पीर मुर्शिद से बैत होने के बाद। दिन का बेशतर वक्त मुर्शिद गिरामी की मुसाहबत में गुजरता और रात इबादत में सर्फ होती। नजर खबर परवाज करामत हकीकत खिर के आदत और इल्म हुजूर के हुसूल गोया तमाम मराहिल तेजी से तय होने लगे। आप कभी मस्जिद जुनैद में जाकर बैठ जाते तो भीड़ लग जाती। शेख बुरादुद्दीन शेख मोहम्मद असफानी और दूसरे बुजुर्ग आपसे इस्तेफादा करते। मुर्शिद बरहक हजरत ख्वाजा उस्मान हारून रदुल्ला तालानो अपने लाइक फाइक मुरीद सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रदिल्ला तालानो को साथ लेकर सफर हज पर रवाना हुए। सुभान अल्लाह। तवील सफर में आपने खिदमत शेख की नादिर मिसाल कायम की और कदम कदम पर अपने मुर्शिद की दुआओं से आला मदारिस पाए। बसरा के करीब हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी के एक पुराने मुरीद अबू साले अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कमालात रूहानी देख कर हैरान रह गए। उन्होंने बड़ी हसरत से अपने शेख मुकर्रम से कहा ये कितने खुश नसीब हैं, कितनी जल्दी कितने बड़े मकाम पर फाइज हो गए। अल्लाहु अकबर। एक मैं हूँ कि अभी मंजिल से कोसों दूर हूँ। उस पर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदिल्ला ताला अनु ने फरमाया जब तुम पैदा हुए थे तो बरहना थे, मोइनुद्दीन हसन पैदा हुए तो हुलिये विलायत उनके जिस्म पर मौजूद था। अल्लाहु अकबर। ये जवाब सुनकर अबू साले आप दीदा हो गए तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन रदिल्ला ताला अनु ने आगे बढ़कर उन्हें सीने से लगा लिया। सीना
सीने से मिला तो दिल रोशन हो गया, अबू साले जगमगाने लगे। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदील्ला ताला ने जेरे लब तबस्सुम फरमाकर कहा, अबू साले तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया, मुबारक हो। अल्लाह अकबर। जैसे ही हुजूर गरीब नवाज ने हजरत अबू साले को गले से लगाया तो उस पर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदील्ला ताला ने तबस्सुम के साथ फरमाया, अबू साले तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल गया। अल्लाह अकबर। आपने हरमैन तैयबैन का सफर फरमाया। यहाँ एक शहर की जामे मस्जिद में दोनों बुजुर्गों ने एतिकाफ किया, उसके बाद मक्का मुकर्मा के लिए रवाना हुए, खाने काबा की जियारत का शर्फ हासिल किया। उस मुबारक मकाम पर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का हाथ पकड़कर हक ताला के सुपुर्द किया और बारगाह खुदावंदी में आपके लिए दुआ की। रब्बे करीम की रहमत कामिला जोश में आई, गैब से निदा आई कि हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। अल्लाह अकबर। आपके पीर मुर्शिद ने दुआ फरमाई रब्बुल आलमीन की बारगाह में, गैब से निदा आई हमने मोइनुद्दीन को कबूल किया। उसके बाद मदीना मुनव्वरा में हाजिर हुए। आपने बारगाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना इस्लाम पेश किया। जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबुल मशायख, या कुतुब मशायख अल बर्र वल बहर। यह आवाज सुनकर मुर्शिद बरहक ने आपसे फरमाया कि अब तू ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दर्जे कमाल तक पहुँच गया है। अल्लाह अकबर। यहाँ से आप शेख तरीकत हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बुखारा पहुंचे और सैकड़ों बड़े बड़े मशाइख से शर्फ ज़ियारत और मुलाकात हासिल किया। उसके बाद दोनों हजरात औश तशरीफ ले गए। यहाँ भी दरवेशों से मुलाकात का सिलसिला जारी रहा, फिर बदखशां का सफर इख्तियार किया। इस सैर सियाहत के बाद आप बगदाद शरीफ तशरीफ लाए। यहाँ चंद रोज के क्याम के बाद फिर औश तशरीफ ले गए। यहाँ से सिविस्तान तशरीफ ले गए जहाँ मुतद्दिद मजूबों से मुलाकात हुई और अजीब गरीब मनाजिर कुदरत का मुशाहदा फरमाया। यहाँ से दमिश्क पहुँच कर अम्बिया कराम के मज़ारात मुकद्दस की ज़ियारत से मुस्तफीज हुए और बुजुर्गों से मुलाकात का शर्फ भी हासिल किया। उसके बाद फिर बुखरा तशरीफ ले गए और हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा से मुलाकात की और काफी दिनों तक उनके पास क्याम भी फरमाया। फिर सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुर्शिद से शर्फ बैत हासिल करने के बाद खुद पीरो मुर्शिद के साथ भी और उसके अलावा भी मुतद्दिद बार हरमैन तैयबैन की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। लेकिन मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो एक दिन हरमे काबा में मशगूल इबादत थे, सुभान अल्लाह की गैप से एक आवाज आई, ए मोइनुद्दीन हम तुझसे खुश हैं और हमने तुझको बख्श दिया। अल्लाह अकबर। जो कुछ चाहे हमसे मांग ले, हम अता करेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने अर्ज की, खुदावंदा करीम या रब्बुल आलमीन मोइनुद्दीन के मुरीदीन सिलसिला को बख्श दे। इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन तू हमारी मिल्क है, जो तेरे मुरीद हैं और तेरे सिलसिले में ता कयामत तक मुरीद होंगे उन सब को हम बख्श देंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर सरकार गरीब नवाज हज के बाद, नाजरीन हजरत सैयदना गरीब नवाज मक्का मुअज़्ज़मा में कुछ रोज रहे और अल्लाह की हम्द व सना में मशगूल रहे और रब ताला की नियामतें लेकर मदीना मुनव्वरा की मुकद्दस सरजमीन पर पहुंचे, सुभान अल्लाह। और रोजे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामाना हाजिरी की सआदत हासिल की और चंद रोज आप वहीं मुकीम रहे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज हासिल करते रहे। फिर एक रोज रोजे अक्दस से निदा आई कि मोइनुद्दीन को बुलाया जाए। बस फिर क्या था, जो खादिम आस्ताना थे उन्होंने जाकर आवाज लगाई, मोइनुद्दीन जिनका भी नाम है वो रोजे अक्दस पे हाजिर हों। तो जवाब में सब हाजरीन और आशिकीन ने कहा, नाम के इस्लाम के काफी गुलाम मौजूद हैं, किस मोइनुद्दीन को बुला रहे हैं आप? फिर खादिम आस्ताना ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, किस मोइनुद्दीन को बुलाएं? तो फिर अज़ग़ैब से निदा आई,
मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाया जाए। तो खादिम आस्ताना ने फिर जाकर आवाज लगाई, मोइनुद्दीन चिश्ती हाजिर हो जाए। फिर क्या था, सरकार गरीब नवाज की कैफियत बदल गई। बहुत ही अदब और मोहब्बत के साथ लबों पे दरूद और सलाम के नजराने सजा कर आप आहिस्ता आहिस्ता हाथ बांधे नबी करीम के रोजे अकदस के करीब आए और बहुत ही मोहब्बत भरे लहजे में अपने जद्दे पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज किया। जवाब मिला, वालेकुम सलाम कुतुबुल मशायख, बेटे मोइनुद्दीन अंदर आ जाओ। अल्लाह अकबर। फिर गरीब नवाज अदब और मोहब्बत के साथ रोजे अकदस में दाखिल हुए और आपकी किस्मत बेदार हुई कि हालत बेदारी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाले जहां आरा के दीदार पुरनूर अनवार से मुशर्रफ हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन तू हमारा ऐने दीन है, सुभान अल्लाह, तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा, वहाँ एक जगह है अजमेर, सुभान अल्लाह। इसलिए सरकार गरीब नवाज को अताए रसूल कहा जाता है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताएं लेकर आप अजमेर आए थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अलकाबों से बुलाया आपको, ए मोइनुद्दीन तू मेरे दीन का मोइन मददगार है, और फरमाया कुतुबुल मशायख, अल्लाह अकबर, और फरमाया मोइनुद्दीन तू हमारा ऐन दीन है, सुभान अल्लाह, और बर्रे वल बहर भी फरमाया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अनो के बगीचे में जिन्नात कैसे खिदमत किया करते थे ये जानना बहुत जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि जब सरकार सैयदना गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अनो अपने बगीचे में तशरीफ ले जाते तो देखते कि बगीचे का हर काम हो गया है और सफाई भी हो जाती, और हमेशा ये सारे बगीचे के काम सरकार गरीब नवाज के आने से पहले हो जाते और आप अपने बगीचे में बैठ कर रोजाना कुरान पाक तिलावत और हम्द सना किया करते थे और बहुत ही खूबसूरत बुलंद आवाज के साथ तिलावत फरमाते। लेकिन सरकार गरीब नवाज को ये तजस्सुस पैदा हुआ कि वो आखिर कौन है जो मेरे आने से पहले बगीचे की सफाई कर जाता है और बगीचे का हर काम पूरा हो जाता है। इसी तजस्सुस ने एक रात आपको बगीचे में रहने के लिए मजबूर कर दिया। सरकार गरीब नवाज की अभी उम्र बहुत कम थी, एकदम कम उम्र थी आपकी, और उस जमाने का ये वाकया है आपकी कमसनी का। और फिर रात के तीसरे पहर आपने देखा कि सरकार गरीब नवाज के बगीचे की सफाई हो रही है मगर सफाई करने वाला नजर नहीं आ रहा है, सुभान अल्लाह। और जो दरख्तों पे फल थे वो शाखों से टूट रहे हैं और बहुत अदब और मोहब्बत के साथ एक जगह जमा हो रहे हैं, अल्लाह अकबर। मगर ये खिदमत अंजाम देने वाला निगाहों से ओझल है, ये खिदमत कौन कर रहा है वो नजर नहीं आता, सामने नहीं है नजर के, सुभान अल्लाह। तो सरकार सैयदना गरीब नवाज रजी ने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों को दोस्त से पर्दा नहीं करना चाहिए, सामने आकर मुझे शुक्रिया का मौका तो देना चाहिए, सुभान अल्लाह। अभी सरकार गरीब नवाज के इस जुमले की गूंज खत्म भी नहीं हुई थी कि छह आदमी आपको अपनी तरफ आते हुए नजर आए। उन्होंने आकर बहुत अदब और मोहब्बत के साथ सलाम किया और कहा, हम जिन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साहिब ईमान है, आपकी तिलावत बहुत खूबसूरत है और इसमें हमारी कुरान की तिलावत की सेहत भी दुरुस्त होती है। नाज़रीन, जब सरकार गरीब नवाज तिलावत कुरान अल्लाह ताला की हम्द और सना किया करते थे तो जिन जिन्नात वो सुन के अपनी तिलावत की सेहत दुरुस्त किया करते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो जिन्नातों ने सरकार गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत और अदब के साथ फरमाया कि इस रिश्ते से आप हमारे उस्ताद हुए, अल्लाह हू अकबर। अब आप ही बताइए कि अगर हम अपने उस्ताद की खिदमत कर लेते हैं तो ये एहसान तो ना हुआ जिसका शुक्रिया आप पर वाजिब हो। तो सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, शुक्र बहर आल अहले ईमान की निशानी है। और फिर सरकार गरीब नवाज ने उन जिनों के हक में दुआ करी कि अल्लाह इस खिदमत का तुम्हें बेहतर अजर अता फरमाए, और उस दिन के बाद वो सारे जिन्नात पर्दा नहीं करते थे, गरीब नवाज की खिदमत में लगे रहते थे और सरकार गरीब नवाज की खिदमत में इसी तरीके से लगे रहते थे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अनु अपने बगीचे में तशरीफ फरमाते कि अचानक एक मर्द कामिल मज़ूब अल्लाह के हुकुम से तशरीफ लाए और सरकार गरीब नवाज की नजर जैसे ही उन मज़ूब पर पड़ी तो आपने बढ़कर उनका इस्तकबाल किया और निहायत इज्जत और एहतराम के साथ अपने बगीचे के सायादार दरख्त के नीचे उन्हें बिठा कर उनको अंगूर के कुछ खोशे पेश किए। सरकार की इस हुस्न सलूक मोहब्बत सलूक के करीब
ईमाना को देखकर मज़ूब बहुत खुश हुए और वो मज़ूब अंगूर का एक एक दाना मुंह में डालते जाते और कहते जाते, इसमें हसन के जोहत का जायका है सुभान अल्लाह, इसमें उम्मुल वरा के वरा की खुशबू है सुभान अल्लाह, इसमें मोइनुद्दीन के इखलास की मिठास है, इसमें चिश्त की शादाबी है। और सरकार गरीब नवाज पूरी तवज्जो से एक एक बात सुन रहे थे। फिर आपने बुजुर्ग से कहा, बिला शुबा आप मेरे मुतालिक बहुत कुछ जानते हो, मगर अपने तारुफ से भी सरफराज फरमाएं। मज़ूब ने जवाब में फरमाया, इब्राहिम कंदोजी मेरा नाम है, मुझे लोग दीवाना कहते हैं और ठीक ही तो कहते हैं। मैं अपने मुर्शिद हाजी शरीफ का दीवाना हूँ और उनके इरशाद की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि आज ही का दिन वो मुबारक दिन है कि मेरे जज्ब की आग पर सुलूक का अब्र करम खुल कर बरसेगा सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद ने मेरी नस नस में आग भड़का कर एक चीज मुझे अता की थी और फरमाया था कि इसे खा लेना, सुकून मिल जाएगा, मगर इस चीज की खाने की शर्त यह है कि हमारे मोइनुद्दीन हसन को तलाश करते रहना, वो मिल जाए तो निस्फ खुद खा लेना और निस्फ उसका हिस्सा है। ये कहकर अपनी पोल्टी से, अपनी पोटली जो होती है जिसे पोटली बोलते हैं, झोला थैला, उससे खुशबूदार खली का एक टुकड़ा निकाल कर आधा खुद खाया और आधा सरकार गरीब नवाज को खिलाया। सरकार गरीब नवाज ने अपना हिस्सा खाकर पूछा, आपकी गुफ्तगू में कुछ बातें तशरी तलब हैं और हाजी शरीफ जिंदनी कौन बुजुर्ग हैं और चिश्त से आपकी मुराद क्या है? फिर इब्राहिम कंदोजी ने कहा, मोइनुद्दीन अल्लाह ताला ने आपको सब जानने के लिए ही पैदा किया है सुभान अल्लाह, और सब कुछ जान लोगे। बस इतना कहा और नजर से ओझल हो गए सुभान अल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से सरकार गरीब नवाज ने अपना बगीचा सब कुछ गरीब फुकरा जरूरतमंदों में तकसीम कर दिया और खुद राह खुदा में निकल गए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।